नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर शहर के टाउन हॉल से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में विभिन्न बैंड बाजे सम्मिलित हुए। शहर के अनेक मार्गों से होकर यह शोभा यात्रा टाउन हॉल प्रांगण पर पहुंची। सकल ब्राह्मण समाज मुजफ्फरनगर की ओर से टाउन हॉल के मैदान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथियों के रूप में पधारी पालिका अध्यक्षा मीनाक्षी स्वरूप, व्यापारी नेता कृष्ण गोपाल मित्तल, राकेश त्यागी, सरदार बलविंदर सिंह, व्यापारी नेता पवन वर्मा, हिंदूवादी नेता सुरेंद्र मित्तल, व्यापारी नेता संजय मिश्रा आदि को संस्था के पदाधिकारी द्वारा पटका पहनाकर और भगवान परशुराम की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। शोभा यात्रा से पूर्व सुबह 9 बजे कार्यक्रम स्थल पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात विभिन्न बैंड बाजों के साथ टाउन हॉल के मैदान से शुरू हुई भगवान परशुराम जी की यह शोभा यात्रा। टाउन हॉल के मैदान से शुरू होकर मालवीय चौक, अंसारी रोड, आबकारी रोड, हनुमान चौक, शिव चौक, भगत सिंह रोड, झांसी की रानी, सदर बाजार से होते हुए टाउन हॉल परिसर पर पहुंचकर संपन्न हुई। मार्ग में अनेक स्थानों पर विशाल शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने भी यात्रा में पहुंचकर भगवान परशुराम का आशीर्वाद प्राप्त किया। नगर में भगवान राम जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी और सभी ब्राह्मण लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बड़े अच्छी बात है, परंपरा के अनुसार सभी लोग जुटे हुए हैं। आज ये यात्रा निकाली जाएगी भगवान परशुराम जी की, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे लोगों को? इस तरह का संदेश दिया था भगवान लोगों को। भगवान ने समाज को सुधारने के लिए विष्णु भगवान के रूप में अवतार लिया था और उन्होंने हमारे देश के अंदर बहुत सुधार किए। जहाँ कहीं भी त्रुटियाँ थी, गुंडागर्दी थी, वो तो खत्म किया और अच्छा उपदेश देकर, अच्छे शिष्य बनाकर, अच्छे काम करके संतान प्रसिद्ध हुए। आज भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जनपद मुजफ्फरनगर में। इस यात्रा में यानी बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है और कई सालों से मनाया जा रहा है। आप देख भी रहे होंगे कि इतनी गर्मी के बावजूद भी बाहर और भीतर पूरी संख्या में लोग हैं, श्रद्धालु है और सर्व समाज से है। आयोजक ब्राह्मण समाज है, निमंत्रित सर्व समाज है और इसमें कई बैंड, कई डीजे, कई झांकियां है और खाने पीने के स्टॉल सैकड़ों की संख्या में लगे हुए हैं सड़कों पर और पूरे ही भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इस बार क्या कुछ विशेष है? इस बार विशेष तो यह है कि परशुराम द्वादशी के दिन हो रही है। आज भगवान जी की द्वादशी है और इस दिन यात्रा हो रही है और सब में बहुत ही उत्साह है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।